जय हिंद एवरीवन। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को एडवांस ईद मुबारक, दुआ में याद रखिएगा। और मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों का, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा था कि असम राइफल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 30 तारीख को आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो 30 तारीख को आ भी सकता है। लेकिन 30 अप्रैल तक खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई 30 तारीख तो निकल गया है, कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो क्यों नहीं आया, बहुत सारा इसका सवाल भी आ रहा है। तो जस्ट मैंने सुबह मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन किया था, तो मेरे को ये देखने को मिला है अभी जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अभी देख सकते हो, ये जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने ओपन किया था, मेरे को ये देखने को मिला कि प्लीज़ वेट फॉर रिलीज ऑफ एडवाइजमेंट। उसका मतलब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद कुछ ना कुछ जल्दी उसका कुछ एडवाइजमेंट आने वाला है इसी वेबसाइट में। क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने जो ओपन किया था इसी से अप्लाई भी होता है, जैसे कि पहले भी मैंने उसी वेबसाइट में मैंने अप्लाई किया था, तो अभी उसमें कोई भी कुछ भी नहीं आ रहा है। डायरेक्ट ये ओपन करने के बाद सिर्फ ये आ रहा है, आप लोग भी गूगल में जाके आप लोग भी चेक कर सकते हो, डायरेक्ट ये आ रहा है कि प्लीज़ वेट फॉर रिलीज और एडवर्टाइजमेंट। तो मतलब कुछ ना कुछ आएगा, तो हमें इंतजार करना पड़ेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। 30 तारीख को मैंने कन्फर्म नहीं बताया था, मैंने बोला था 30 तारीख को एक नोटिफिकेशन आ भी सकता है, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तारीख से किस डेट से उसका अप्लाई होगा। तो अभी तो 30 तारीख तो निकल गया है, लेकिन कोई भी डेट नहीं आया है, तो हमें और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो ऑफिशियल साइट में ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि हमारे नज़दीक में जो असम राइफल का कैंप में अगर भर्ती आता है, ऑफिशियल कुछ भी नोटिस आता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि हम वहाँ पे जाते हैं, अक्सर वहाँ पे हम पूछताछ करते हैं भर्ती वर्ती के बारे में, ऐसे जाते हैं उधर कैंप में, तो हमें पता लग जाता है भाई। लेकिन वहाँ पे भी मैंने पूछताछ किया है, तो अभी तक मैंने पहले भी जाके पूछताछ किया था, वो लोग बता रहे थे कि उनके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन सिर्फ ये जो मैंने एक पेज जो अभी आप लोग देख रहे हो, वो पेज उनके पास भी उनके फोन में आया था। उधर जो फौजी भाई लोग हैं वो भी बता रहे थे कि भाई हाँ इसका तो कन्फर्म है, ये तो आएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियल की तरफ से हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो लेट भी हो सकता है, पता नहीं, तो इंतज़ार करेंगे हम। तो इंतज़ार करते हैं, दो चार दिन और रुकते हैं, फिर देखते क्या होता है। जब भी कुछ ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ भी आएगा तो आप सभी को जल्दी बता देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।